जय हिंद जय भारत। मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मैं फायर की वीडियो शेयर करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए दोस्तों, मैं आज एक जनरल सेफ्टी के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरल सेफ्टी में मैं आपको डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी मेरी कि व्हाट इज सेफ्टी, व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी क्या होती है। जो आपसे कोई पूछता है कि कहीं भी हमारे सेफ्टी के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज सेफ्टी, तो सेफ्टी में आप बता सकते हैं। देखिए सेफ्टी की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन सेफ्टी की होती हैं, जिसमें मैं दो तीन डेफिनेशन आपको बताऊँगा। तो आपको बताना है सबसे पहले उन हानिकारक स्थितियों से स्वतंत्रता, उन हानिकारक स्थितियों से स्वतंत्रता जो जीवन संपत्ति और वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उसे हम सेफ्टी कहते हैं। और सेफ्टी कभी भी हम करते हैं अपनी और सिक्योरिटी करते हैं किसी दूसरे की। कहीं पे भी हमें किसी साइट्स के ऊपर, हमें कहीं भी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, कहीं भी पेट्रोल साइट में, इलेक्ट्रिकल साइट में, प्लांट के अंदर सेफ्टी करनी होती है। सेफ्टी को आप ऐसे बता सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन में ये भी बता सकते हैं कि सेफ्टी फ्रीडम फॉर अनएक्सेप्टेबल लाइफ रिस्क, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें रिस्क है, उसको भी हम सेफ्टी बोल सकते हैं। और हम सेफ्टी उसको भी बोल सकते हैं उन हानिकारक स्थितियों से स्वतंत्रता जो एक्सीडेंट, इंसिडेंट, हजार्ड, रिस्क से हमें स्वतंत्रता बचाते हैं, उसे भी हम सेफ्टी बोल सकते हैं, उसे भी हम सेफ्टी कह सकते हैं। सेफ्टी के बारे में आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि उन हानिकारक स्थितियों से स्वतंत्रता जो एक्सीडेंट, इंसिडेंट या रिस्क से हमें स्वतंत्र करते हैं, उसे हम सेफ्टी कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन मेरी होगी हजार्ड। हजार्ड किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछता है हजार्ड क्या होता है, तो आपको बताना है कोई भी अनियोजित या अप्रत्याशित घटना, कोई भी अनियोजित या अप्रत्याशित घटना जिसमें जीवन संपत्ति या वातावरण का नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, उसे हम हजार्ड कहते हैं। हजार्ड डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। हजार्ड की बात करूं तो हजार्ड फिजिकल हजार्ड भी हो सकता है, केमिकल हजार्ड भी हो सकता है, मैकेनिकल हजार्ड भी हो सकता है, मशीनरी का हजार्ड भी हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड भी हो सकता है। और हजार्ड भी दो प्रकार का होता है, एक तो एक्टिव हजार्ड, एक तो अनएक्टिव हजार्ड। एक्टिव हजार्ड अगर मैं मान लूँ मेरे ऊपर फैन रखा हुआ है और फैन चल रहा है तो वो एक्टिव हजार्ड है, अगर वो फैन रुका हुआ है तो अनएक्टिव हजार्ड है, क्योंकि अगर वो रुका हुआ है जब भी गिर सकता है बाय चांस, और नहीं रुका हुआ है तो नहीं रुका है चल रहा है तो उसको हम एक्टिव हजार्ड बोल सकते हैं। तो हजार्ड की डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो हजार्ड की डेफिनेशन में आप ये बता सकते हैं। दूसरा होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हम किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछता है एक्सीडेंट होता क्या है, तो आपको बताना है कि कोई भी अनियोजित या अप्रत्याशित घटना जिसमें जीवन संपत्ति या वातावरण का नुकसान हो गया हो, उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट दो ही वजह से होता है, अनसेफ्ट एक्ट और अनसेफ्ट कंडीशन। अनसेफ्ट एक्ट क्या होता है? असुरक्षित कार्य। अनसेफ्ट कंडीशन क्या होती है? असुरक्षित स्थिति। देखिए अभी जो नया सिनेरियो होता है उसमें 96% एक्सीडेंट होते हैं अनसेफ्ट एक्ट के कारण, 2% होते हैं अनसेफ्ट कंडीशन के कारण, और 2% होता है हमारा नेचुरल। और पहले क्या होता था कि 88% तो हमारा होता था अनसेफ्ट एक्ट के कारण, 88% होता था हमारा अनसेफ्ट एक्ट के कारण, और हमारा 10% होता था अनसेफ्ट कंडीशन के कारण, और 2% हमारा होता था नेचुरल। पहले ये सिनेरियो होता था, लेकिन अभी नया सिनेरियो क्या है कि 96% हमारा होता है अनसेफ्ट एक्ट के कारण, और 2% हमारा होता है अनसेफ्ट कंडीशन के कारण, और 2% हमारा होता है नेचुरल जो हमारा एक्सीडेंट के अंदर होता है। तीसरा आपसे कोई पूछता है रिस्क क्या होता है, जिसे हम जोखिम बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि हम रिस्क उसको बोलते हैं जिसमें एक्सपोज होने की संभावना होती है। मैं जिसे बोलता हूँ एक्सपोज, जिसमें हमें नुकसान पहुँचाने की संभावना होती है, इसमें हमारा नुकसान हो सकता है, उसे हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क को अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो हजार्ड से होने वाले नुकसान को हम रिस्क कहते हैं।
अब जहां पे भी आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो हजार को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मान लिया मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ किसी औजार के साथ काम कर रहा हूँ, वो औजार जो है हमारा हजार है, लेकिन उससे होने वाला जो नुकसान है वो हमारा रिस्क है। मैं किसी औजार से काम कर रहा हूँ, मेरे पास आरी का ब्लेड है, या किसी मैं नाइफ से काम कर रहा हूँ, या आरी से काम कर रहा हूँ, जो हमें जिस मैं टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो हमारा हजार्ड है। अगर मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, मेरा हाथ कट जाता है, मुझे कुछ चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो हमारा रिस्क है। यानी उससे होने वाला जो नुकसान है उसे हम रिस्क कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, नियर मिस क्या होता है। नियर मिस हम किसे कहते हैं, नियर मिस को हिंदी में बाल बाल बचना कहते हैं। कोई भी अनियोजित या प्रत्याशित घटना, जहाँ पे भी कहीं कार्य चल रहा हो और कोई हम आप पे कोई जिससे आप बाल बाल बच जाते हैं, उसे हम नियर मिस कहते हैं। बाल बाल बचने का मीन्स है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऊपर से कोई बंदा, कोई हैमर या कोई ब्रिक्स ईंट गिर जाती है और आप उसके साइड से निकल के जा रहे हैं, और आपके आपके ऊपर ना गिर के वो आसके आस आपके इधर आगे पीछे या आसपास गिर जाती है, उसको हम नियर मिस बोलते हैं, जिससे आप बाल बाल बच जाते हैं। या आप कहीं पे बाइक लेके जा रहे हैं या रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो कई बार आपका मन होता है करूँ या ना करूँ, लेकिन आप कर देते हैं और बाल बाल आप बच जाते हैं। बाइक से आप जा रहे हैं, आप तेज चला रहे हैं, आपका स्टंट मार रहे हैं और आप जाते जाते गिर जाते हैं, या आपको चोट मतलब नुकसान नहीं होता है किसी प्रकार का, तो कहते हैं कि बाल बाल मैं बच गया, उसको भी हम नियर मिस बोलते हैं। दूसरा, इंजरी क्या होती है, चोट क्या होती है। दोस्तों चोट वह होती है कि जो जिसको हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो जिसको हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसको हम इंजरी बोलते हैं या चोट बोलते हैं, चोट कह सकते हैं या इंजरी कह सकते हैं। दूसरा, आपने कभी देखा होगा कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं, सेफ्टी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्क एंड हाइट क्या होता है। तो वर्क एंड हाइट में आप ये बता सकते हैं कि 1.8 मीटर से अबव जो होता है, जो ऊपर होता है, उसे हम वर्क एंड हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। या 2 मीटर से ऊपर वाला, कई बार 2 मीटर से ऊपर वाला जो होता है उसको भी हम वर्क एंड हाइट बोल सकते हैं। तो व्हाट, कोई आपसे बोलता है कि वर्क परमिट क्या होता है, कहीं भी हमें कुछ भी काम करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत पड़ती है, वर्क परमिट क्या होता है। देखिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो रिटर्न में होता है, जो पे वहाँ पे काम करवाता है सुपरवाइजर होता है जो, या साइड का इंचार्ज होता है, उसको दिया जाता है। उसमें दे जाने के बाद कोई भी एरिया इंचार्ज या कंट्रोल रूम का इंचार्ज होगा उसको देता है। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि क्या हमारा काम चल रहा है यहाँ पे, या क्या हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, जिसको हम वर्क परमिट बोलते हैं। और वर्क परमिट डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, कहीं हॉट वर्क परमिट होगा, कहीं कोल्ड वर्क परमिट होगा, कहीं लेंगे टेस्टिंग वर्क परमिट होगा, कहीं इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट होगा। ये कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे सेफ्टी के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है कंपनी की। सेफ्टी पॉलिसी के अंदर आपको किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो जब सेफ्टी पॉलिसी के अंदर आपको अनसेफ्ट एक्ट, अनसेफ्ट कंडीशन के लिए आपको सब चीज़ देखना होता है। और एम्प्लॉयज़ का हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरनमेंट सेफ्टी और एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को हमें देखना होता है, जिसको हम सेफ्टी पॉलिसी बोलते हैं। ये हर कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग होती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि सेफ्टी ऑडिट में हम क्या करते हैं। सेफ्टी ऑडिट के अंदर हमें अनसेफ्ट एक्ट, अनसेफ्ट कंडीशन के अंदर देखना होता है। हमें किसी भी कंपनी के अंदर अगर एक्सीडेंट को कम करना है, तो एक्सीडेंट को कम करने के लिए सबसे पहले हमें नियर मिस को कम करना पड़ेगा। एक्सीडेंट को कभी भी हम कम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें नियर मिस को कम करना पड़ेगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी जो हमारी बाल बाल बचने वाली जो घटना है, अगर आप उसको कम कर देंगे तो आपकी कंपनी में एक्सीडेंट होने का चांस उतना ही कम रहेगा। और कोई आपसे पूछ लेता है इंसिडेंट क्या होता है, घटना क्या होती है, तो आपको घटना के लिए ये बताना है कि घटना वह होती है जिसमें ना तो हमें ये पता पड़ता है कि एक्सीडेंट है और ना ये पता पड़ता है नियर मिस है। एक्सीडेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है और मैंने नियर मिस की डेफिनेशन भी आपको बताई है। मान लीजिए मैं कहीं पे दूर खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने कोई बाइक से दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में ना तो मुझे ये पता पड़ पा रहा है कि उनको नुकसान कितना हुआ है, लाइफ लॉस, इन्वायरमेंट लॉस या प्रॉपर्टी लॉस हुई है, और ना मुझे ये पता रहा है कि एक बाइक एक्सीडेंट हुई है लेकिन बच गए, जिसमें नुकसान नहीं हुआ है। अगर नुकसान नहीं हुआ है तो नियर मिस है,
और नुकसान हो गए तो हम उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। और आप देखिए मैं अगर आपसे बताऊं कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, मान ली एक क्रिकेट के मैदान में कोई खिलाड़ी अगर बॉल को विकेट में मारना चाहता है, वो विकेट में नहीं लगती है, वो किसी कीपर को लग जाती है या किसी अदर बेस को लग जाती है या किसी अदर चीज़ को लग जाती है, उसको भी हम इंसिडेंट बोलते हैं। यानी जो काम आप नहीं करना चाह रहे हो और वो अचानक से आपके साथ हो जा रहा है, उसको भी हम इंसिडेंट बोल सकते हैं। सेफ्टी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वर्क एंड हाइट पे आप काम कर सकते हैं। वर्क एंड हाइट पे काम करते हुए आपको फुल बॉडी हार्नियस, ठीक है, लाइन यार्ड का आपको इस्तेमाल करना होता है, हाफ बॉडी हार्नियस का इस्तेमाल करना होता है, असेंडर डिसेंडर का इस्तेमाल करना होता है, कैराबिना का इस्तेमाल करना होता है। कहीं पे भी आप काम करें, परमिट के थ्रू ही काम करें। आपसे कोई बोलता है कि परमिट, कहीं भी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्शन की साइट के ऊपर अपना जो मैटर है या अपने जो लेबर है उनको सेफ्टी गमबूट के बारे में आप बताएं, सेफ्टी हेलमेट के बारे में बताएं, फुल बॉडी हार्नेस के बारे में आप बताएं, गूगल्स के बारे में आप बताएं, वेल्डिंग कर रहे हैं तो ग्लास के बारे में आप बताएं कि आपकी आँख में इंजरी हो सकती है, ये पतंगा आपकी आँख के ऊपर जा सकता है, ये सब चीज़ जनरल सेफ्टी में जा सकते हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो वायर, आप टेम्परेली कनेक्शन कहीं से ना लें, प्रॉपर आप कनेक्शन लें या जनरेटर का इस्तेमाल करें, पोर्टेबल जनरेटर का इस्तेमाल करें, टेम्परेली ओपन वायर, आप खुली वायर कहीं पे ना छोड़ें। आपका जो मटेरियल है वहाँ पे जो इस्तेमाल करने कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको ओपन ना रखें, ढक्के रखें, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें जिससे हमारा डस्ट के कारण हमारे लेबर वगैरह को या हमारे एम्प्लॉयज वगैरह को काफ़ी नुकसान होता है। और जितना हो सके पीपी का इस्तेमाल करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। और जितनी भी हमारी हाउसकीपिंग अच्छी रहेगी यानी जो हमारा रख रखाव अच्छा रहेगा तो इंसिडेंट या एक्सीडेंट के चांस हमारे उतने ही कम रहेंगे इंडस्ट्री के अंदर। ये होता है दोस्तों। और फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे होता है तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।